थंबनेल पढ़कर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ की शिक्षा पद्धति के बारे में, यानी कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के इकोसिस्टम को समझते हैं। होता क्या है, हमारा स्कूल जो है 16 जुलाई से खुला। अब 16 जुलाई से खुला तो बहुत सारे बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन किस लिए? सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती और मटर गस्ती के लिए बच्चे जाते हैं। किस लिए? खाना खाने के लिए। अगर जुलाई से ही शिक्षक मेहनत करे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को टॉपिक दिया जाए, बेसिक नॉलेज शुरू से दिया जाए, तो ये आगे बढ़ सकता है। शिक्षक क्या होते हैं, बच्चे कर लेंगे ये सोचते हैं, लेकिन होता क्या है, बच्चे जाते हैं फिर आ जाते हैं। छोटे छोटे चीजों को आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पाठ उठा रहे हैं, एक दिन में पाठ कंप्लीट कर रहे हैं और जा रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि पाठ को पढ़ाया नहीं जाता है, आपके पास गाइड है, आप खुद पढ़कर पास हो सकते हैं। कहते हैं आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आपने बचपन से उसको पढ़ने की आदत डाली ही नहीं है। यहाँ पर बुक में जो लिखा हुआ है उसको ही पूर्ण तरह से बताया नहीं जा रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से मिल पाएगा। सब्जेक्टों में सिर्फ 3 या फिर 4 सब्जेक्टों की ही पढ़ाई होती है, और इंग्लिश की पढ़ाई तो कभी होती नहीं है मान लो आप, क्योंकि उसका पीरियड तो कभी होता ही नहीं है गणित के अलावा। हम ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो हमारी जिंदगी में कभी काम ही नहीं आएगा। मैं तो सीधा कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है। एजुकेशन पर खर्चा ना करके मोबाइल बांटने में खर्चा किया जा रहा है। मैं इन्हीं स्कूलों से हेट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। पेपर के बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का अच्छा नंबर आया, बहुत सारे लोगों का अच्छा नंबर नहीं आया। हम जो है 12वीं तक छत्तीसगढ़ के नॉलेज के हिसाब से अगर हम धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम कॉलेज स्तर पर जाते हैं और जब हम कॉलेज करते हैं तब हमें पता चलता है कि डिफिकल्टी कितनी ज्यादा होती है, और डिफिकल्टी का सामना हम कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों को नौकरी चाहिए होती है और नौकरी इतनी बड़ी होती है और उसके लिए इतनी बड़ी नॉलेज की जरूरत होती है जो कि हमारे पास में है ही नहीं, और इसी कारण आधे से ज्यादा बच्चे फांसी लगा लेते हैं और किसी चक्कर में छोड़ देते हैं या फिर कहीं ठेले लगाकर गुपचुप बेच रहे हैं। बस यही काम हो रहा है इस नॉलेज से। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव से 10वीं में पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही पास हुए थे, और बाकी 50 बच्चे पढ़ने वालों में सिर्फ 4 बच्चे ही पास होना ये अच्छी बात नहीं है। और इसमें मैं बता रहा हूँ शिक्षक की बस गलती नहीं होती, इसमें बच्चे की भी, क्योंकि 50% शिक्षक की और 50% बच्चे की, दोनों की बराबर गलती इसमें होती है। 20% बच्चे ओपन में भी पेपर दिलाकर फेल हो जाते हैं। कई बच्चे पढ़ने भी जाते हैं और पढ़ते हैं और आ जाते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ गाइड। और शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक को तो अपने सजने से ही फुर्सत नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। कई पर साइकिल बांटे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज सरकार करती है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को डांस करना अच्छा सिखाया जा रहा है, लेकिन पढ़ना क्यों नहीं सिखाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा आप खुद घर पर अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेंगे, ना कि स्कूल के। और कहीं पर शिक्षक शराब भी करा रहे हैं। अब वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर इसको खत्म करते हैं, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देना चाहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम कैसी है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना।